Hey guys, welcome to Classic Cravings. मैं हूँ नेहा और आज मैं एक हेल्दी स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ जिसे हम तिलकुट कहते हैं। तिलकुट तिल और गुड़ से बनाया जाता है। दोनों ही चीज़ें तासीर में गर्म है। जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रहा है तो ये हमारी बॉडी को गर्म रखने में बहुत ही हेल्प करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बोन हेल्थ को अच्छा रखते हैं, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखते हैं। इसे बनाने के लिए मैं सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करूंगी, गुड़, तिल और थोड़ा सा घी जो कि ऑप्शनल रहेगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स के एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। इसे बनाने के लिए हम एक पैन ले लेंगे। पैन में डाल देंगे तिल। अब तिल को सिर्फ 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये अपना कलर ना बदले। अगर तिल का कलर चेंज हो जाएगा तो तिल कड़वे हो जाएंगे, इसलिए इसका सफ़ेद रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। 2 मिनट बाद ये अच्छे से भुन गए हैं। अब इसे पैन से निकाल लेंगे। अब सेम पैन को दोबारा लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। घी हल्का मेल्ट हो जाने पर डालेंगे गुड़। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है जिससे ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी। अब गुड़ को चलाते हुए अच्छे से मेल्ट होने देंगे। 2 मिनट में ही ये गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने भुने हुए तिल। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। अब इस मिक्सर को सिर्फ 2 मिनट तक ही पकाना है। 2 मिनट बाद इसकी जमने वाली कंसिस्टेंसी हो जाएगी। ये देखिए अब ये मिक्सर पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट को मैंने अच्छे से देसी घी से ग्रीस कर लिया है। इस पूरे मिक्सर को अच्छे से प्लेट पर पोर करेंगे और स्पैचुला की हेल्प से उसे एक समान कर देंगे। अब ये पूरी तरह से लेवल में आ गई है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद ये अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसे काट लेंगे। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं, स्क्वायर शेप में या ऑथेंटिक बर्फी वाले शेप में। ये देखिए मैंने इन्हें काट लिया है। अब प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बर्फी बनके तैयार हुई है। इसे आप रात को सोने से पहले दूध के साथ भी ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।